Estás pandilla de la Sazda iladere. आपके बात और डायरेक्टर नहीं कर पाए सर है इधर ही है इधर है आपका मित्र है मैसेज मैं सबको किया हूँ भाई मैसेज सबको किया और फोन से पीछे लगवा के बोल के हाँ हाँ तुम ही कर रहा रखो तो पहले बेटा ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमो नमः शुभम कर हरे ओम मां लगा दे हां ओम गोविंदाय नमः इत्यस्तो प्रच्छाल्यं गंगाय नमः ओम यमुनाय नमो नमः हरि ओम मा स्वस्तिना इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिना भूखा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारिक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ओम त्रेकादिश्वा मारुतः पृश्निमादरः शुभं व्यावानोऽभिदधते कुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मनवः शूररक्षसो विश्वेनोद्देवा अव सदमन्य सरदो अन्ति देवानस्तानश्चक्राजर शन्तनो नाम पितराशो पितरो भवन्ति मानो मध्यारीश युग्रान्तो ओम धो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे जी आप हमारे मुहूर्त में सुख शांति रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ हमारे घर पर प्रवेश करें और जो हम कार्य करने जा रहे हैं उसे हमारी पूरी मनोकामना हमारी पूर्ण करें ऐसा भगवान से प्रार्थना करना है। ओम हरे हे ओम गणानन्त्वा गणपते गुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपते गुंहवामहे निधेनान्त्वा निधिपते गुंहवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमात्वा सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मौर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुच्छेर्यमामृतात्मानोज्जवं मा रततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओं हरे ओं मा सर्वदेवताभ्यो नमः आवाहित देवताभ्यो नमो नमः अपने समस्त देवी नारायणाभ्याम नमः ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः ओम साची पुरंदराभ्याम नमः ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम सर्व देवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो स्नान करवा दीजिए हल्का गणपति बप्पा को। ओम हरे ओम मा हाथ लगा लीजिए आप भी थोड़ा चम्मच से। ओम हरे ओम मा पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत पुनरेकाच्छम सवाहे अभ्यं तरह सुचि तिलकम ओम चंद्रमा मणि सूर्यात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत नाभ्याः शीदन्तरिक्षगुं शेषणोद्योः समवर्धत पद्भ्याम ओम रक्षः श्रोत्रार्थथा लोका आकल्पयन्नः। छोड़ दो लड्डू निकालिए लड्डू चढ़ाइए बढ़िए भोग लगाइए नेत्रों पे लगाइए उल्टा वाला हाथ नेत्रों पे ऐसे और सीधे हाथ से भगवान को भोजन कराइए। ओम अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उधर उसी में से हाँ अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मृत फड़माश स्वाहा सर्वदेवता भ्योर्मा भोजितम भोजितम समर्पयामि बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे ओम मां सर्वदेवता भ्यो नमः यथाशक्ति को द्रव दक्षिणा चढ़ाइए भोजन कराने के पश्चात ओम हाँ आराम से चढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं अगरबत्ती उठाइए गर्मा का आराम से दोनों दिक्कत
लीजिए भजन सर आइए ओम हरे ओम मा शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव विद्यावलम देववलम तदेव लक्ष्मीपते ते गृसुखं स्मरामि लाखकोटिशम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा हरिः ॐ मा सर्वदेवताभ्यो नमः आवाहित देवताभ्यो नमः श्री गणपति महादेवताभ्यो नमः ध्याये ध्यानान्ते समर्पयामि आइए ओम हरे ओम मा शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनुकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम या देवेश्वर भूतेषु बुद्धिरूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः हरे ओम मा वाहिदेवताभ्यो नमः वामहे प्रियाणां त्वापियपति गुंघवामहे निधेनात्वा निधिपति ओम जज्जाग्रदोद्दूरं दयति दयवन्त शिव संकल्पमस्तु ओम सुखरतिरस्वानि वजन्म ओम हरे ओम सर्वदकारेषु सर्वदा देवदाय नमो नमः ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वदेवदिङ्करस्ति नयन सर्वाङ्गभूषाभृतां लीलास्माद्युतिमा सपात्योर्मुच्छीर्यमामृतात् आराम से महेश भाई ऊपर लगाई मार ऊपर ऊपर कैले हुआ पुनु भैया के लगा देते हैं पुनु भैया अरे क्या तारा वाला ठीक है आई राजू ना आवत हुए ना उनको लगा देते हैं बाकी तो सब हाजिर है पुनु भाई तो आए हुए उनके फिर से लगा देनी है गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पर तिलक सोए मूस की सवारी माथे पर तिलक सोए मूस की सवारी कान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो शंभु सुद्रवारी दीनन की लाज रखो शंभु सुद्रवारी कामना को पूरण करो जाने और चरे मेवा सर्व काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा सर्व गणेश जय गणेश देवा सुख संपत्ति करे आवे सुख संपत्ति करे आवे कष्ट मिटे की तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करते प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम जड़ाओ संतन की सेवा हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा भजन
मनवांत तमल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट सर में दूर करे ओम जय जगदीश हरे लोटांगड़ वदीन चरणा डोल्यान पावन पंडित आप जय मलिंगन आनंद पूजन भावे ओ वाड़े मड़े नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवम त्वमेव त्वमेव सर्वम त्वमेव देवा का हो जगे छोटो आवा लीला दो जला दीजिए साईनाथ महाराज की जय पार्वती पदे हर हर मलविंद वासिनी मैया की जय चौकिया वाली माता की जय हर हर महादेव मैया की जय गंगा मैया की जय। सबसे पहले आप सब केहू के हम गुंजन सिंह पैछू के प्रणाम करतनी गोड़ लगातनी भैया हो जाएगो फिल्म के मुहूर्त भइल जकर नाम बा बटवारा। और सबसे अच्छा बात ये बा कि हमरा सबसे बढ़िया लागल कितना भक्तिमय मुहूर्त पहला बार भइल बा। हम तो अपना इतना फिल्म कैले बानी बा कि ये पहला ऐसा मुहूर्त हुआ है जिसमें इतना भक्तिप्रद इतना पूजा पाठ करते हुए रवि जी किए हैं और भौजी भी रहनी सब केहू रहे बहुत अच्छा लगे। डायरेक्टर चाहे जितने भी हमारे सब गार्जियन स्वरूप भाई लोग यहाँ उपस्थित हैं तो इतना अच्छा लगा ये मुहूर्त। भगवान करे फिल्म जबरदस्त हिट हो और अच्छा होगा। जैसा इसका नाम है गांव से रिलेटेड कहानी है भाई भाई का जो घर में बंटवारा होता है बहुत सारी ऐसे तो जो भी इसकी कहानी है बहुत ज़्यादा तो डायरेक्टर साहब बताएंगे और प्रोड्यूसर साहब बताएंगे लेकिन बहुत अच्छा कहानी है इस फिल्म का और ज़बरदस्त होगा इसका। अभी तो आज मुहूर्त हुआ है इसमें कितना अलग होगा आपका किरदार? किरदार इसमें भाई भाई के वो बढ़िया फिल्म बना था जेकरा में एक अच्छा महक बा बिहारी यूपी के जे भाव बा घर घर के जे झगड़ा बा माई बाप के सम्मान जे बा जेकरा दिलावे खातिर का का एक घर में होता है जिस घर में कोई झगड़ा होता है परिवार एकजुट नहीं होके रहता है कैसे कैसे इसमें सारे खेले हैं जो कि गाँव घर का कहानी है जो कि सबको अच्छा लगेगा। इसमें आपके हीरोइन जो है उनके बारे में क्या कहना है किस तरह ट्यूनिंग होने वाली है? हीरोइन तो हमारा सब हीरोइन के साथ ट्यूनिंग है बा जे आज ये सब चली मुझे ऐसा नहीं करना है कि इसी के साथ काम करना है सबके साथ काम करना है सबों का प्यार चाहिए सबों का दुलार चाहिए। बात की जाए जैसे कि आप एक नामचीन सिंगर हैं तो हर फिल्म में आपके पब्लिक आवाज में गाना भी सुनने के चाहे ना तो फिल्म में कितना रहुआ गाना गा? हाँ जितना हो सके लगा है कि गाना ही हम लोग का जिंदगी है गाना रोम रोम में बसा हुआ है गाना नहीं गाएंगे तो जी नहीं पाएंगे इसलिए गाना से बहुत प्यार है गाना तो रहेगा। अभी छठ आ रहा है छठ माता के आपके एल्बम भी आ रहा है दो लाइन हो जाए गाना तो ढेर सारा गवले बानी बाकी एक दो गाना भी छूटल बा जो वेब कंपनी के माध्यम से छूटा है छठी घाटे चली कैसेट के नाम बा ओकरा में बस एक लाइन अरे बाबा ला गौले घानी बगिया ओह में नरिया रावा के गाछ बाबा ला गौले घानी बगिया ओह में नरिया रावा के गाछ नारियर तुरे चलली सीताजी राम जी ले ले बिलमाय इस टाइप से दशहरा हमारा मुंह में बहुत ज्यादा आवता हूँ दशहरा पार हो गया ना दिवाली दीपावली और छठ के आप सब के जितने भी हमारे भोजपुरी या दर्शक है मेरे भगवान स्वरूप सब के ढेर सारी शुभकामना भैया हो जीते रहा जिंदगी में खुशहाल रहा और हमनी के गाना सुनत रहा फिल्म देखत रहा आशीर्वाद देत रहा जय हो। रंगलाल जी का क्या चाहा आज के डायरेक्टर हम पहली बात हम सबके बहुत शुक्रगुजार हैं हम दहानों में मुहूर्त रखे हैं रवि जी के यहाँ पे घर पे और यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और हम क्या कहेंगे सर
हमारे इतना खुशी किसको होगी, हमें बहुत खुशी है। हमारे गुंजन जी हैं, आप घाई मत करिए, लेट नहीं हो रहा है और खूब बढ़िया से यहाँ से कर हम लोग मुहूर्त कर रहे हैं, बहुत विधि विधान से हुआ है यहाँ पे मुहूर्त। और गुंजन जी के साथ हम लोग का पहला काम बैठे और हम चाहे बहुत बढ़िया से अमन के लिए अच्छे तरीके से कर जाए। स्टार कास्ट के बारे में सर, गुंजन जी हैं, सूबी शर्मा हैं और भी हम लोग, सब प्लान चल रहा है और हम लोग करेंगे। राकेश जायसवाल जी हैं, मधु राजपूत हैं, पूजा दुबे हैं, सब है और बाकी स्टोरी के बारे में तो कुछ टाइटल देख के ही समझ में आवत हुई कि क्या फिल्म को लेके क्या कहना चाहेंगे। फिल्म को लेके सर यही है कि हम लोग हमारे यूपी बिहार में जो कल्चर है, हमारा भाई भाई का वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज सबके मालूम बढ़ रही, वही के कुछ हमन के लिए मैसेज बनावा दड़ी कि ये फिल्म को देख के कम कुछ लोग सीख मिले, ये फिल्म के द्वारा हम लोग मैसेज दिया चाहता थी। रणलाल जी बात कीजिए, इसके पहले भी रवि जी के साथ आप फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, उसमें बता दें कौन सी फिल्म थी और कब तक दर्शक देख पाए। बस फिल्म जान के बदले जान था सर, यही पे मुहूर्त हुआ था उसका और बहुत अच्छी तरीके से जोरों शोरों में काम हुआ सर उसका, और वो फिल्म कम्प्लीट हो चुकी है, उसकी डबिंग है और स्टूडियो में पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, हम लोग बहुत जल्द से जल्द उसको पर्दे पे ला रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं उसको। और उसके पहले ये भी चालू होने जा रहे हैं, आपको देख ही रहे हैं आप है ही हैं बंटवारा, और दिवाली के बाद हम लोग पूरा डेट वगैरह रख देंगे कब वो रिलीज कर रहे हैं। वो भी बहुत अच्छी फिल्म बनी है, पारिवारिक फिल्म है, जान के बदले जान, और उसका भी काम अच्छा है। रवि जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रवि जी के बारे में क्या कहेंगे हम, रवि जी तो सदाबहार आदमी है, और रवि जी सदाबहार नहीं होते तो हमारी दूसरी फिल्म है उनके साथ, अब दूसरी फिल्म कर रहे हैं हम लोग और हम चाहेंगे कि पहली फिल्म से लाख गुना अच्छा काम हम इसमें करें। हमारे एसोसिएट साहब हैं विशाल सर, पता नहीं कहाँ हैं, वो तो इंटरव्यू से भागते रहते हैं डर के इधर उधर, और उनका योगदान और हम चाहेंगे कि बढ़िया तरीके से इसको करें हम लोग फर्स्ट क्लास। प्रणाम करब हाथ जोड़ के अपन, हम रवि पांडे। ये फिल्म बहुत अच्छा ही बाटे गुंजन भाई के लेके स्टार कास्ट में, और मधु सिंह राजपूत जी बाटी, सुभी शर्मा, राकेश जायसवाल जी बाटें, पूजा दुबे बाटे, ये कहानी के बहुत अच्छे तरीके से लिखले बाटन, बहुत अच्छा सजोले हुए अभिनव पांडे, और ये हम जानत बाटी कि ये फिल्म हमारे सबसे बढ़िया अब तक जितनी भी हम कहें सबसे सुपर डुपर फिल्म हमारी बाटे बंटवारा। तो बंटवारा कहीं आपके जिंदगी से रिलेटेड कुछ चीज मैंने दिखाया जैसे कि बंटवारा तो सबका होता है, बंटवारा तो घर में भी होता है, भाई भाई से बंटवारा होता है, बंटवारा देश का होता है तो हुआ भी है, और ये दोनों से रिलेटिव है, देश का भी बंटवारा और अपने घर घर का भी बंटवारा। इसमें क्या बंटवारा दिखाना चाहते हैं, किस चीज का बंटवारा दिखाना चाहते हैं? एक भाई से अलग हो रहा है और ये सब जगह होता ही है, बहुत सारा वही चीज है, बहुत सारा इसमें मैसेज है, जब आएगा आज ही सब बता दूंगा तो लोग देखेंगे। लोग कह सकते हैं कि पूरी शुद्ध पारिवारिक फिल्म है। हाँ। जी शुद्ध पारिवारिक फिल्म है, कोई बलगर्टी नहीं है और अच्छे अच्छे सॉन्ग है। आप पूछ रहे थे गुंजन भैया से कितने गाने आपके हैं, तो गुंजन भैया के इस फिल्म में 3 गाने हैं। और गीत संगीत संगीत सुनील चौबे सांवला जी का है, इसमें पहली मूवी में भी वही दिए और इसमें भी वही दे रहे हैं। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को? बस यही हाथ जोड़ के निवेदन है उन लोगों से कि मेरी पहली फिल्म जान के बदले जान आ रही है मार्केट में, ये लोग अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर देखें और हम सब लोग भाइयों के ऊपर अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें कि आगे भी हम फिल्म देते रहें इन लोगों को। हम राकेश जायसवाल पूरा भोजपुरिया समाज के हाथ जोड़ के गोड़ लगत बनी, प्रणाम करत बनी। आज ये हमारे दूसरा फिल्म का मुहूर्त बा जेकर नाम बा भाई भाई का बंटवारा होई। ई दहानू रोड में न्यू सुधा फिल्म्स के ऑफिस पर भइल और हमर पहला फिल्म बहुत जल्दी आवता जान के बदले जान, बहुत जल्दी आप लोग के नज़दीकी सिनेमा घर में लगी। और एमन हमारे अपोजिट में बड़ी मधु सिंह जी राजपूत जो उनकी खलनायक का लड़की बड़ी एमन, और ये फिल्म में हमार जज का कैरेक्टर बा जेकर नाम बा आदित्य। गुंजन जी के साथ ही पहली बार जी गुंजन भैया के साथ में तो पहली बार बा, बहुत बड़ा सौभाग्य बा हमार कि भैया के साथ में काम करे का मौका मिलल बा। और रवि पांडे जी हमके ये लायक समझलन कि जान के बदले जान कभी प्रोड्यूसर रवि जी हों और भाई भाई का बंटवारा हुई एक अभी प्रोड्यूसर रवि जी हैं, और रंगलाल सर पहला फिल्म का भी हैं डायरेक्टर और इसका भी। सबसे पहले सभी लोग को नमस्कार कहना चाहूँगी, और आज मेरी फिल्म का मुहूर्त है जिसके टाइटल बहुत ही प्यारे हैं बंटवारा,
और आज ये मुहूर्त धानु रोड में हो रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर जी के घर पे। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रंगलाल निसाजदी और प्रोड्यूसर है रवि पांडे जी। क्या किरदार निभा रहे हैं आप? मैं इसमें लीड कर रही हूँ। किन किन को दिखा रहे हैं? अभी तो बहुत सस्पेंस है। क्या किरदार मतलब किस तरह से रोल निभाने वाले हैं? क्या पूरी फिल्म आप क्या करने वाली, कितना जवाब दिखाने वाली? अभी उतना कुछ बता नहीं सकती। गुंजन जी हीरो हैं, बाकी जो है? हाँ, मैं गुंजन जी के साथ फर्स्ट बार काम कर रही हूँ और इनके साथ भी और रवि पांडे जी के साथ भी और रंगलाल सर के साथ तो की हूँ, जो सेकेंड बार है। कितना एक्साइटेड है इस फिल्म को? बहुत ज़्यादा है। अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मूवी में काम करके और स्टोरी भी बहुत प्यारी है और भाई भाई के हैं तो अभी हमारे डायरेक्टर जी और प्रोड्यूसर जी बताए हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि अपना प्यार जैसे सब भोजपुरिया समाज को आप लोग बनाए रखें, उसी तरह हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और हमारी मूवी पे आप लोग बनाए रखिए। आप किसके किसके बीच में बंटवारा कर रहे हैं? लेडीज से ही बंटवारा शुरू होता है। मुख्य जड़। अभी ये भी सस्पेंस है। सस्पेंस रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। जब पब्लिक के सामने आती है तो कुछ खुल के आती है, अच्छा लगता है। अब इसमें सारे बता देंगे तो उतने अच्छे भी नहीं लगते हैं। मतलब करवाएगी ना? हाँ। ये लंदन से हैं। मतलब करवाइए बंटवारा मांगने आए। हाँ। राम भाई वैसे भी इस फिल्म में लंदन से हैं। आइए हमारे प्रोड्यूसर जी बताएंगे इस बारे में। ये लंदन से हैं। आइए आप यहाँ। नहीं ठीक है, गुंजन भाई हैं। अरे आवे नहीं नहीं। और कुछ जानकारी सर, हमारे फिल्म का हीरो तो राकेश जायसवाल जी को देख ही रहे हैं सामने ही है और हमारे फिल्म में जान के बदले जान हमने जो किया बहुत अच्छा किरदार निभाए हैं। याकूब का रोल निभाए हैं हमारे जयप्रकाश सिंह जी ने, पुन्नू पांडे जी भी हैं और बहुत अच्छे से काम किया हमारे साथ। बाकी हमारे मिर्जापुर के हैं राजू शुक्ला जी, जो प्रोड्यूसर रहे जान के बदले जान में, लेखक हैं अभिनव पांडे जी, उसमें सेकंड हीरो भी हैं अपना संजय मिश्रा जी। मिर्जापुर की भी टीम बहुत हमें सपोर्ट की, मिर्जापुर के लोग भी बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया और उस सपोर्ट से हम लोगों ने फिल्म को बना के लाए मुंबई और सारे काम यहाँ पे चल रहे हैं। अब रिलीज भी होने वाला है। जेपी जी, आपका कहना चाहिए बंटवारा को लेकर? भैया सबसे पहले हम भोजपुरी दर्शकों को प्रणाम आशीर्वाद, जिस लायक लोग हों। और सबसे बड़ा धन्यवाद के पात्र तो हमारे रामचंद्र यादव जी, जो कि मुंबई शहर से काफी दूर धानु में आकर के आज हमारे इस बंटवारा फिल्म के मुहूर्त के लिए आए हैं। इसके लिए इनकी पूरी टीम को धन्यवाद। और अपने चैनल के जरिए ये हम लोगों की सबकी इतनी पब्लिसिटी करते हैं कि मैं इनको ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनको अच्छी उम्र दें, स्वस्थ रखें। और ख़ास तौर से जहां सवाल है इस फिल्म का, तो ये रवि पांडे जी की और रंगलाल जी की मेरी दूसरी फिल्म है। हाँ, ये मेरी दूसरी फिल्म है। इसके पहले हमने जान के बदले जान में, हमारे निर्देशक हमारे रंगलाल जी जो हमारे बगल में खड़े हैं, इनके साथ हमने एक मुस्लिम करेक्टर किया था। अब वो बहुत जल्द वो फिल्म आपके सामने आने वाली है, शायद दिवाली के बाद इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। और कि कब तक आ रही है। और इसके साथ साथ हमारी दो फिल्में और तैयार है, डबिंग हो चुकी है। एक है नादान इश्क और दूसरी है हम किसी से कम नहीं, और एक तीसरी और भी कंप्लीट है, मुझसे शादी करोगी। सुजीत कुमार जी सिंह डायरेक्टर हैं उसके, गोलू हीरो है। बाकी जान के बदले जान, मतलब दिसंबर तक आपके सामने मेरी शायद ये चार फिल्में आपके सामने हाजिर होंगी। और बंटवारा भी जा रही है सिट पे, तो हम इसके लिए मंगल शुभकामना करेंगे, रवि पांडे जी को धन्यवाद करेंगे और हमारे इस डायरेक्शन टीम के विशाल जी और रंगलाल जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा, आभारी रहूंगा कि अपने साथ हमें जोड़ी हुए हैं। और ज्यादा हाँ, ये गुंजन बच्चे के बारे, इसके पहले हमने भी हम किसी से फिल्म कम नहीं का नाम लिया तो उसमें प्रमोद प्रेमी फर्स्ट टाइम काम किया था और गुंजन बाबू से भी इसमें पहली बार मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा, इनका स्वभाव बड़ा प्यारा लगा। और इन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें जो इन्होंने पहली बात कही कि पहली बार ये मुहूर्त मैंने देखा कि भक्ति भाव के साथ में, तो इस पर हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है कि जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। जहां प्रभु की भक्ति भाव होगी, प्रभु की आराधना पूजा होगी, वहां पर तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही।
इसके लिए गुंजन जी को भी धन्यवाद और ईश्वर से ही प्रार्थना कि उन्हें कामयाबी के शिखर तक पहुंचाए। बस धन्यवाद और आपके फिर से दोबारा रामचंद्र जी यादव की इस टीम को जो यहां तक आई है इसके लिए फिर से धन्यवाद, दुआ प्रणाम और आशीर्वाद सब। धन्यवाद। रोकेंगे या करवाएंगे जी? सबसे पहले तो राम जी राम राम और दर्शकों को अपने राम राम और जय माता दी। और सबसे बड़ी बंटवारा फिल्म के बारे में कहना चाहूँगा कि भाई भाई के बंटवारा। सर ये दुनिया में इस सबसे बड़ी विडम्बना है कि सबसे बड़ा खून का रिश्ता भाई भाई और भाई भाई में ही बंटवारा होता है और इससे बड़ा खून का रिश्ता नहीं होता है। तो इस टाइटल बहुत अच्छा है और शायद इसमें हमें टाइटल से लग रहा है कि घर द्वार और हमें बड़े घर की बेटी जैसी फिल्मों की याद दिलाएगी। और मैं शुभकामना है मेरी रंगलाल निषाद जी इसके निर्देशक हैं हमारी फिल्म के गुंजन सिंह जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूं। गुंजन सिंह को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा और अपनी पूरी टीम को और हमारे साथ हमारी जेपी भैया के साथ भी। हमारा रिलेशन सन 92 से है लेकिन आज इस फिल्म में पहली बार शायद एक साथ काम करने का मौका मिलेगा। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा क्योंकि ये मेरे सबसे सबसे पहले सीनियर हैं। आपका गेटअप देख के लग रहा है कि सबसे बड़े खलनायक इसमें आप ही रहेंगे बंटवारा करवाने। खलनायक तो मैं अब अभी इसमें ये क्या है रंगलाल जी बताएंगे लेकिन इसमें ये है कि सर मुझे धीरे धीरे गेटअप है गेटअप देख के लग रहा है कि हाँ ये तो मुझे ये सोचना है कि मुझे इसमें नेगेटिव करेक्टर है मेरा, मैं नेगेटिव करूंगा लेकिन अभी क्या करूंगा अभी इसके बारे में मतलब कमान डायरेक्टर गेटअप तो और कम खतरनाक बनेगा। डायरेक्टर साहब खुलिया चेंज कर देंगे इस फिल्म के लिए। ये जो आपका अभी गेटअप है ये किस फिल्म के लिए है? ये अभी तो शायद भाई भाई के बंटवारे के लिए फिल्म है और ये गेटअप मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, मैं बॉलीवुड की फिल्म कर रहा हूँ अभी, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा उसके बारे में। ये गेटअप उसके लिए है और मैं इसके लिए मैं आप लोगों से दुआ चाहूँगा आशीर्वाद चाहूँगा इसके लिए। डायरेक्टर हमारे रंगलाल निषाद जी, इनके साथ हमारी शायद दूसरी तीसरी फिल्म होगी हमारी और रवि पांडे जी के साथ काम करने का सौभाग्य जान के बदले जान में नहीं रहा, जान के बदले जान में हूँ मैं जुड़ा हूँ लेकिन इसमें मुझे काम करने का रवि पांडे जी के साथ मौका मिला है। और रवि पांडे जी के लिए भी बहुत शुभकामना है मेरी तरफ से कि जैसा ये कॉन्सेप्ट उठाए हैं, जैसा ये विषय है, शायद पारिवारिक फिल्म है और सुपरहिट हो, शायद दर्शक देखेंगे।